मध्य प्रदेश में आज 12वीं की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच कोरोना के चलते इंदौर में भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ हुई है। समय से एक घंटे पहले छात्रों को आने के निर्देश दिए गए थे और जगह जगह परीक्षा केंद्र पर सूचना के माध्यम से छात्रों को निर्देश भी जारी किए गए थे। मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को बसों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक लाया जा रहा है। इंदौर में कोरोना के चलते शिक्षा विभाग ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शहर में 2 केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। इंदौर में आज 12वीं की परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 9 से 12 के बीच परीक्षा शुरू हो चुकी है। बच्चे धीरे धीरे समय से पहले अपने घरों से निकल चुके थे, अपने परीक्षा केंद्रों के यहाँ भी आ चुके हैं। कंटेनमेंट एरिया से जहाँ बच्चे थे उन्हें विशेष बसों के माध्यम से स्कूलों सेंटर तक लाया गया था। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो भी स्कूल सेंटर है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जा रहा है। सैनिटाइजर से हाथ धोए जाते हैं, इसके बाद ही अंदर कक्षा में प्रवेश किया जाता है। अगर उसके पहले थर्मल स्कैनिंग की जाती है, अगर उसमें जांच पाने पर उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे दिशा निर्देश भी लिखे गए हैं, साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है, रोल नंबर के हिसाब से शारीरिक दूरियों का भी पालन करवाया जा रहा है। कम से कम बच्चों की उपस्थिति में ही है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।